भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और उनको होटल से बाहर निकालने की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। प्रतापगढ़ में इसको लेकर भाजपा की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मीणा के साथ इस तरह का अमानवीय बर्ताव बंद करने की मांग की गई। भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां पर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश की गहलोत सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिस तरह से सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस ने बर्ताव किया वह निंदनीय है। डॉक्टर मीणा अपने निजी कार्य से उदयपुर आए थे, लेकिन गहलोत सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता उन्हें सता रही थी। प्रदेश में अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जन प्रतिनिधियों के घूमने पर रोक लगाई जा रही है। गहलोत सरकार जिस तरह से डॉक्टर मीणा को परेशान कर रही है वह लोकतंत्र पर कलंक है। एक राज्यसभा सांसद के आने जाने पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना घोर निंदनीय है। इसको लेकर भाजपा पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रही है। चंडालिया ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने इस तरह के कदमों से लोकतंत्र को कुचलने का जो प्रयास कर रही है उसे किसी भी कीमत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा ने आज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को जिस प्रकार से उदयपुर में निजी होटल में रोका गया और प्रजातंत्र का जिस तरह से गला घोटा गया, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से गहलोत सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है। गहलोत सरकार अगर रोकना चाहती है तो राजस्थान में बढ़ रहे बलात्कार को रोके, रोकना चाहती है तो बेरोजगारी को रोके, रोकना चाहती है अराजकता को रोके, परंतु वह इस प्रजातंत्र में इस लोकतंत्र का मजाक बनाकर जिस तरह से विपक्षी नेताओं को बोलने से रोक रही है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनजाति मोर्चा इसका घोर विरोध करती है। सरकार अगर इन हरकतों से बाज नहीं आई तो सड़कों तक संघर्ष किया जाएगा।